नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति ढलवेज। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी के चीन और पाकिस्तान परिवार की, सिंगापुर पहुंचे किम जोंग उन की, जानेंगे कि लालू परिवार में कैसे मची कलहा, मोदी सरकार के खिलाफ केजरीवाल ने क्या बनाई रणनीति और आखिर में बात स्मृति ईरानी को लगे झटके की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लालू परिवार में खटपट की खबरों के बीच तेज प्रताप यादव की आई सफाई। बोले, परिवार में सब कुछ ठीक, तेजस्वी से नहीं है कोई गिला, कुछ असामाजिक तत्वों ने पार्टी में माहौल को किया खराब। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सड़क पर उतरेगी आम आदमी पार्टी। शीला दीक्षित ने केजरीवाल के मुद्दे पर उठाए सवाल, भड़के केजरीवाल ने शीला दीक्षित को दिया चैलेंज, एक साल मोदी राज में दिल्ली चला के दिखा दो। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार का फैसला, अब बिना यूपीएससी एग्जाम के भी बन सकेंगे अफसर। छत्तीसगढ़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस परिवार। बोले, राहुल हमसे 4 साल का हिसाब मांगते हैं, पहले अपने 55 सालों के खराब रिकॉर्ड को देख लें। शाह ने सूबे में 65 सीटें जीतने का रखा लक्ष्य। और शंघाई सम्मेलन में पीएम मोदी ने चीन और पाक को घेरा। OBOR योजना के लिए चीन को क्षेत्रीय अखंडता का ध्यान रखने की दी नसीहत, अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान को आतंकवाद की दिलाई याद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चीन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किंगदाओ में चल रहे 18वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लेकर उसे नसीहत दी, तो वहीं अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान को भी घेरा। मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश चिंताजनक है। 18वें शंघाई सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SCO देशों के बीच एकता और कनेक्टिविटी पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश ऐसे किसी प्रोजेक्ट का स्वागत करता है जो सभी सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो, जिस प्रोजेक्ट में सहयोगी दलों की अनदेखी नहीं की जाती हो। यह पीएम मोदी का इशारा चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना की ओर था, जिसके तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर इसका निर्माण कर रहा है। इस परियोजना को लेकर भारत कई बार चीन को नसीहत दे चुका है, लेकिन चीन है कि झुकने को तैयार ही नहीं। माना जा रहा है कि इसी को लेकर पीएम मोदी ने यहां सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात कही है। वहीं चीन के साथ साथ यहां पीएम ने चीन के जिगरी दोस्त पाकिस्तान को भी आंख दिखाई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन की मौजूदगी में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद और चरमपंथ के प्रभावों ने आज अफगानिस्तान की शांति को भंग कर दिया है। अफगानिस्तान में जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, वह बेहद चिंताजनक है। यहाँ मोदी ने परोक्ष रूप से पाक को आतंकवाद के लिए घेरा था। साथ ही इस दौरान पीएम ने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी की प्रशंसा भी की, जो इन दिनों अपने देश में शांति के मजबूत प्रयास करने की कोशिशों में जुटे हैं। अपने संबोधन में पीएम ने सिक्योर की नई परिभाषा भी बताई। मोदी ने कहा कि एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रेस्पेक्ट सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। यही सिक्योर का मूल मंत्र है। दिव्य लाइफ की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शंघाई सहयोग सम्मेलन में हिस्सा लिया और सम्मेलन को संबोधित करने के बाद अब स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। तो वहीं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। दोनों के बीच 12 जून को यह मुलाकात होगी। वहीं मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने किम से मिलने को लेकर उत्सुकता जताई है। 12 जून, ये वो खास दिन है जब पूरी दुनिया की निगाहें सिंगापुर पर टिकी होंगी, क्योंकि इस दिन कभी एक दूसरे को आंख दिखाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति और उत्तर कोरियाई शासक मुलाकात करेंगे और अपनी नई दोस्ती को और मजबूती देंगे। इस बैठक के लिए उत्तर कोरिया प्रमुख किम जोंग उन आज सिंगापुर पहुंच गए हैं। किम सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर विशेष माओवादी सूट और हेयर स्टाइल में पहुंचे, जहां सिंगापुर के विदेश मंत्री विलियम बालकृष्णन ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि दोनों के बीच मंगलवार को ये मुलाकात सेंटोसा द्वीप के कपैला रिसोर्ट में होगी। जब दोनों मिलेंगे तो ये एक ऐतिहासिक अवसर होगा, क्योंकि 1950 से 53 के बीच कोरिया युद्ध के बाद से दोनों देश शत्रु बन गए। तब से उत्तर कोरिया और अमेरिका के नेता कभी नहीं मिले और न ही फोन पर बात की। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इस मुलाकात को लेकर काफी उत्साहित हैं। तभी तो बैठक से पहले आज उनका बयान आया है, जिसमें ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि ये बैठक काफी सकारात्मक रहेगी। दोनों देशों के बीच परमाणु गतिरोध खत्म करने पर सहमति भी बनेगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।
किम और ट्रंप की होने वाली बैठक पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं कि आखिर दोनों के बीच क्या बातें होती है। वैसे कर्नाटक में जारी नाटक ने भी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से छिड़ा घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस खेमे से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। मंत्री पद न मिलने से नाराज असंतुष्ट विधायकों को मनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने इनके साथ मुलाकात भी की थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। दरअसल मंत्री पद न मिलने के बाद कांग्रेस के कुछ विधायकों ने खुले तौर पर इस फैसले की मुखालफत की थी। खबरें आ रही थीं कि कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और वो कमल थामने का मन बना रहे हैं। इन खबरों ने तो कांग्रेस की परेशानी बढ़ाई ही थी कि इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीएस येदुरप्पा ने इन खबरों पर मुहर लगाकर कांग्रेस जेडीएस की चिंता और बढ़ा दी। येदुरप्पा के बयान के बाद तो जैसे कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नाराज विधायकों को दिल्ली तलब किया, जिसके बाद एमबी पाटिल के नेतृत्व में पार्टी के कई विधायक राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बैठक बेनतीजा रही। मुलाकात के बाद पाटिल ने बताया कि नाराज चल रहे 15-20 विधायकों से चर्चा के बाद ही अगले कदम के बारे में फैसला लिया जाएगा। फिलहाल आज की मुलाकात में कोई बात नहीं बन पाई है, यानी साफ है कि अभी कांग्रेस जेडीएस सरकार पर से संकट के बादल नहीं छटे हैं। वहीं इन सब के बीच अब कांग्रेस नेता शिव कुमार का बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सभी विधायक हमारे साथ हैं। उन्होंने बीएस येदुरप्पा के तमाम दावों को खारिज करते हुए कहा है कि हमारा कोई विधायक बीजेपी में शामिल नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। एक तरफ कर्नाटक कांग्रेस में तू-तू मैं-मैं जारी है, तो वहीं बिहार में लालू परिवार में भी अब सत्ता संघर्ष की आवाजें सुनाई दे रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए आरोप लगाया है कि अब पार्टी में उनकी कोई नहीं सुनता, पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। वह इस मामले में तेजस्वी यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। क्या लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आरजेडी में भी अब बड़े और छोटे की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या तेज प्रताप तेजस्वी यादव के बड़े कद से नाराज है? ये तमाम सवाल लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के उस बयान के बाद उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने पार्टी में अपनी अनदेखी पर नाराजगी जताई है। दरअसल तेज प्रताप यादव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो दलित समाज से आने वाले आरजेडी नेता राजेंद्र पासवान को पार्टी में सम्मानजनक पद देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह यह भी शिकायत कर रहे हैं कि उनकी पार्टी में कोई नहीं सुनता, ऐसे में वो उन्हें पद कैसे दिलवाए। इस वीडियो में तेज प्रताप यह भी कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं जो आरजेडी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें तेजस्वी के साथ लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में तेज प्रताप मांग कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो असामाजिक तत्व घुस आए हैं, उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। वहीं सत्ता संघर्ष की जो खबरें आ रही हैं, उसे लेकर अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान आया है। तेजस्वी ने कहा कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसे गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। कर्नाटक और बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव के खाली हुए सरकारी बंगले की तस्वीरें वायरल होने के बाद से घमासान मचा है। दरअसल बंगले में हुई तोड़फोड़ को लेकर अभी तक बीजेपी अखिलेश यादव को निशाना बना रही थी। वहीं इस बीच अब समाजवादी पार्टी का बयान आया है, जिसमें योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा गया है कि चुनावों में हो रही हार की बौखलाहट निकालने के लिए सीएम योगी ने खुद बंगले में तोड़फोड़ करवाई है। वहीं सपा के इन आरोपों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव के खाली हुए सरकारी बंगले में तोड़फोड़ के मामले में अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील यादव ने कहा कि बंगले में हुई तोड़फोड़ के लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खुद सीएम योगी ने ऐसा करवाया है। उन्होंने कहा कि 4 विक्रमादित्य मार्ग के सरकारी बंगले की चाबी राज्य संपत्ति विभाग को सौंपे जाने से पहले तक यहाँ सब ठीक था, लेकिन बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही बंगले में तोड़फोड़ करवाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी उपचुनाव में मिली हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए अपनी बौखलाहट निकालने के लिए सीएम ने यह सब करवाया है, ताकि अखिलेश यादव की छवि को धूमिल किया जा सके, उन्हें बदनाम किया जा सके। वहीं समाजवादी पार्टी के इन आरोपों को खारिज करते हुए यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि हम भला ऐसा क्यों करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए बंगले को नुकसान पहुंचाया है। अखिलेश को एसी और टाइल्स नहीं हटानी चाहिए थी, क्योंकि ये राज्य सरकार की संपत्ति है। वह अब खबर आ रही है कि राज्य संपत्ति विभाग सरकारी बंगले में हुई तोड़फोड़ मामले में रिकवरी करेगा। राज्य संपत्ति अधिकारी का कहना है कि उन्होंने लिस्ट तैयार कर ली है, अगर ये तोड़फोड़ जानबूझकर की गई है तो इस मामले में अखिलेश यादव को नोटिस भेजा जाएगा और रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।
बस इससे पहले अखिलेश यादव का भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें बदनाम करने के लिए यह सब कर रही है। दिव्य लाइव की रिपोर्ट। सरकारी बंगले में तोड़फोड़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा बीजेपी को घेर रही है और बीजेपी अखिलेश को निशाना बना रही है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। दरअसल दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आप ने जनता के बीच उतरने का फैसला लिया है। आगामी चुनाव को लेकर आज अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया। धरने और आंदोलन के सहारे सरकार में आई आम आदमी पार्टी यानी आप ने एक बार फिर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है और इस बार आप दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेगी। आम आदमी पार्टी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है कि पूर्ण राज्य की मांग को मुद्दा बनाकर आप केंद्र सरकार को घेरेगी। इस बैठक में सीएम केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को नारा दिया है कि एलजी दिल्ली छोड़ो। बैठक में केजरीवाल ने कहा कि हमें इस नारे के साथ लोगों को ये समझाना है कि केंद्र ने अंग्रेजों की तरह दिल्ली में वायसराय की तर्ज पर उपराज्यपाल को बैठा दिया है, जो दिल्ली के कोई काम नहीं होने देते। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हमने 3 सालों में जनहित में काम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एलजी ने हमें कोई काम नहीं करने दिया, जिसके बाद अब पार्टी ने आंदोलन का फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए आप नेता गोपाल राय ने बताया है कि उनकी पार्टी पूर्ण राज्य की मांग को लेकर 17 से 24 जून तक दिल्ली में वार्ड स्तर पर 300 बैठकें करेगी। इन बैठकों में जनता को पूर्ण राज्य के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के पलटने की हकीकत से वाकिफ कराएंगे। गोपाल राय ने बताया कि इस मुद्दे पर पार्टी 1 जुलाई को इंदिरा गांधी स्टेडियम में सम्मेलन करेगी, जिसमें आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार ने पूर्ण राज्य की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा में 3 दिनों का विशेष सत्र बुलाया था। इस बैठक में जहां आपने आगामी चुनाव के लिए अपना एजेंडा तय किया, वहीं ये भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के साथ ही कांग्रेस के साथ गठबंधन की तमाम खबरों पर भी विराम लग गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और बुलेटिन के आखिर में बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लगे एक और झटके की। स्मृति को नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य पद से हटा दिया गया है। स्मृति जब मानव संसाधन विकास मंत्री बनी थी तब उन्हें नीति आयोग के सदस्य बनाया गया था, लेकिन अब नीति आयोग से उनकी छुट्टी कर दी गई है। उनके स्थान पर अब मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। करीब 1 महीने पहले ही ईरानी से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी ले लिया गया था। मंत्रालय बदलने के बाद अब मोदी सरकार ने उन्हें झटका देते हुए नीति आयोग में विशेष सदस्य का पद भी छीन लिया है। कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में इस बदलाव की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि इन बदलावों को पीएम की मंजूरी दी है, यानी साफ है कि पीएम मोदी की अनुमति के बाद ही यह बदलाव किया गया है। दरअसल स्मृति ईरानी जब मानव संसाधन विकास मंत्री बनी थी तब से नीति आयोग की सदस्य थी। उनका मंत्रालय बदल जाने के बावजूद नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्य का उनका पद बरकरार था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमोदन के बाद नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। ये बदलाव ऐसे समय में किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 जून को गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग करने वाले हैं। वहीं स्मृति ईरानी के स्थान पर अब मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को भी नीति आयोग में जगह मिली है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। तो बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए लॉग इन करें tblive.tv। नमस्कार।